क्या ऐसा होने वाला है? सरकार अपने इम्प्लॉयज के रिटायरमेंट फंड्स को भी इस स्पेकुलेशन में डाल दे, खबर पे ध्यान दीजिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट इंडियन डेरिवेटिव मार्केट। क्या है डेरिवेटिव्स? कैसे होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, F&O ट्रेडिंग? दोस्तों, एक बात ध्यान से याद रखिए, जब भी कोई इंसान या कंपनी किसी भी कॉन्सेप्ट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ये बोलकर इंट्रोड्यूस करता है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो समझने के लिए टाइम लगेगा, तब जान लीजिए कि वो या तो कुछ बहुत फायदे वाली बात नहीं बोल रहे हैं या तो कहीं कुछ गड़बड़ है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव एक ऐसा सेगमेंट है जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट से भरे हुए हैं। आज के वीडियो में मैं वो ज्ञान नहीं दूंगा जो फ्रीली एंड रेडिली अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं वो बताऊंगा जो आपको नहीं पता कि डेरिवेटिव क्यों एग्जिस्ट करता है, किसको सबसे ज्यादा फायदा होता है डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए, और क्या है ये पूरे सेगमेंट ही स्पेक्युलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और क्या यही रिस्पॉन्सिबल है अनरियलिस्टिक इकोनॉमिक बबल क्रिएट करने के पीछे। ये सारी बातें आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप भी अगर चाहे तो डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इतनी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के बदले में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहला साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फ्री मिलेगा, मिनिमम ब्रोकरिंग चार्जेस ऑफ फ्लैट ₹20 पर डील, और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसका मतलब है कि आपको सारे चीजें कौन से शेयर्स या क्या आपको खरीदना है वो सब आपको वो बता देगा, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग के स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रिडिक्टिव एनालिसिस सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। ये आपके एज, सैलरी, आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बता देगा कि इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब है कि आपको स्पेशल एडवाइजरी एंड पोर्टफोलियो मैनेजर जैसे अलग अलग एडवांटेज मिलेंगे। तो देर ना करते हुए डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट पाइए और एंजल ब्रोकिंग के साथ जुड़े। तो आपने अकाउंट खुलवा लिया होगा एंजल ब्रोकिंग में, ये 20 साल से पुराना है तो ट्रस्ट तो करना ही चाहिए। डेरिवेटिव्स कहां से आया समझ लीजिए, कोई ट्रेडर को सोना खरीदना था, वो दुकान में गया, देखा पर ग्राम का भाव ₹30,000 है। अब उसने सोचा कि 20 दिन बाद मार्केट में इसका प्राइस ₹30,200 से ज्यादा हो सकता है, तो उसने सोने के ट्रेडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 20 दिन बाद वो सोना ₹30,200 पर ग्राम के रेट में खरीदेगा। इसके लिए उसने ट्रेडर को थोड़ा सा एडवांस दिया, अगर उसको 10 ग्राम खरीदना था मतलब ₹3,02,000 देने थे, तो वो उसका 5% एडवांस पेमेंट करके अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मतलब सिर्फ ₹6,040 में उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब 20 दिन बाद अगर प्राइस 30,200 पर ग्राम के ऊपर गया तो उसको फायदा होगा, और 30,200 पर ग्राम के नीचे गया तो उसको लॉस आया, पर जो सोना खरीदने गया है उसकी लॉस या प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर बैट करके पैसा कमाना। इसमें बायर ने किया कुछ नहीं, खाली स्पेकुलेट किया है कि प्राइस किस तरफ जाएगा, कितना जाएगा, और उस स्पेकुलेशन के साथ या गलत होने पर ही प्रॉफिट या लॉस होगा। इसको ओवर द काउंटर यानी O2C फैसिलिटी कहते हैं, यानी O2C फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कोई भी जाके किसी भी काउंटर से इस तरह के डील कर सकता है, जो स्टार्ट में 5% पेमेंट करके 100% बुकिंग किया गया वो लिवरेज है, यानी बायर को पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर पे नहीं करना है, एक फ्रैक्शन ही बस पे करना है, ताकि उसका लॉस अगर हुआ तो वो लिमिट के अंदर रहेगा। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक फंडा है। गवर्नमेंट एक्सचेंज रेगुलेशंस एंड प्रोडक्ट्स, अब आप पूछेंगे, बात चल रही थी सोने के ट्रेडर और बायर के बीच में, तो सरकार कहां से आई, एक्सचेंज कैसे आया? सीधी बात है,
अगर देश में कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं भी होगा तो देश के सरकार को उसका हिस्सा मिलता है यानी टैक्स। इसीलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक्सचेंज के थ्रू सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑपरेट किया गया। 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने कमोडिटी एक्सचेंज बनाकर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को परमिशन दिया। अब समझते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या फर्क है इनमें। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो एक्सचेंज में ट्रेड किया जा सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खाली ओवर द काउंटर सेल होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डेली सेटलमेंट होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन पे सेटलमेंट होता है। ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर बायर ने कुछ पैसे दे के एक कॉल ऑप्शन किया, मतलब 3 महीने के बाद सोने का भाव पर ग्राम 30,200 होगा तो उसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं। टारगेट मीट करने के बाद बायर के चॉइस के ऊपर होता है कि वो उसको खरीदे या नहीं। सिमिलरली वो अगर ये ऑप्शन लेता है कि 3 महीने के बाद गोल्ड प्राइस अगर 29,800 यानी 29,800 के या से नीचे जाएगा तो वो नॉट टू बाय ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। इसको पुट ऑप्शन कहते हैं। आपके दिमाग में अभी ये बात आ रही होगी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं उसे बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, यानी जिसके पास प्रोडक्ट है वो कमाएगा, जिसको प्रोडक्ट चाहिए वो पैसा देगा। इसमें थर्ड पार्टी कहां से आएगी, इस बात को समझने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड मैथमेटिक्स में पीएचडी होल्डर्स के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है जो आपको समझ नहीं आएगा। इसका सीधा ट्रांसलेशन ये है कि मैथमेटिक्स में जैसे कई तरीके का ऑपरेशन जो होते हैं, प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन उसको छोड़कर भी है डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो कैलकुलस का हिस्सा है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को फाइनेंशियल मार्केट में लेकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए थे 21st सेंचुरी के बिगनिंग में, जिन प्रोडक्ट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के हाथों बहुत सारे पैसा और पावर आ गया। पैसा कैसे आया इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के जरिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ही इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के स्पेशलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। 2008 फाइनेंशियल क्रैश। कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव बेस्ड प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि वो फ्रॉडुलेंट है या फिर उनमें इन्वेस्ट करना सही नहीं है। अगर सही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाए तो FNO एक बहुत अच्छा मार्केट मेकिंग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि कमोडिटीज के प्राइस नेचुरल रीजन से फ्लक्चुएट करते हैं। ये एक तरीके का गैम्बलिंग ही हुआ, जिसमें आप केयरफुल रिसर्च से गैस करते हैं कि प्राइस ऊपर होगा या नीचे। लेकिन अगर इस गैम्बलिंग के खेल में नेचुरल एलिमेंट्स को हटा दिया जाए, अगर रेगुलेशन को हटा दिया जाए, तो इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी किस तरीके से फायदा उठाते हैं, इसका एग्जांपल है 2008 फाइनेंशियल क्रैश। यहां पर हाउसिंग सेक्टर में दिया जा रहे लोन्स को CDO कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशंस नाम को कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव के साथ पैकेज कर दिया गया और इसके साथ कई सारे और लोन्स जोड़ दिए गए। इसको लेंडिंग बैंक्स ने बेचा इन्वेस्टमेंट बैंक्स को। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने इन CDOs को इंश्योर किया AIG कंपनी के जरिए और इन CDOs के इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली बेच दिया, मतलब उन्होंने लोन के पेमेंट से इन्वेस्टर्स को पेमेंट मिलना था। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने अपने ही CDOs के फेल होने पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लगाया। अकाउंटेबिलिटी चले जाने के वजह से कचरे के भाव में होम लोन्स दिए गए, हाउसिंग प्राइस बढ़ते रहे और
एक के बाद एक लोन डिफॉल्टर्स लिस्ट में जाते गए। जैसे ही लोन्स खराब हो गए वैसे ही सीडीओ से रिटर्न आना बंद हो गया इन्वेस्टर्स को और लॉसेस बढ़ने चालू है। इन सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए जैसे ही थोड़ा सा मार्केट गिरा लेमैन ब्रदर्स मैरी लिंक जैसे कंपनीज फटाफट बैंकरप्ट हो गए। क्यों? उनका लिक्विडिटी पूरा खराब हो गया। इन बैंक्स को गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स का पैसा देकर बेल आउट किया, पब्लिक का पैसा खराब हुआ, एम्प्लॉयमेंट चला गया, दुनिया रिसेशन में गई, जिसका इम्पैक्ट आज भी सबको महसूस हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्वेस्टमेंट बैंक के सीईओ एंड मैनेजर्स बिलियंस कमा के सेटल्ड हो गए और वो आज भी उन्हीं बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और ऑपरेशंस चला रहे हैं। क्या करंट इकोनॉमी भी बबल है? क्या क्रैश होगा? कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अपने आप से खराब नहीं होता, रेगुलेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी के जरिए उसको स्टेबल बनाया जाता है। अगर आप आज का मार्केट देखेंगे तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, नए लेवल्स के ब्रिज कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है, हाउसिंग मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं, आज भी लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है पिछले 10 साल में, लेकिन हाउसिंग प्राइसेस बढ़ चुका है 3 times। ये सब इशारा करता है आने वाले दिनों में एक इम्पेंडिंग क्रैश का, जो शायद 2008 से भी भयानक हो, जिसमें शायद पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही डूब जाए। इसका नया ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा आईपीओ के लॉन्च में। कितने सारे आईपीओ आ रहे हैं, शायद लिक्विडिटी रेज करने का यही एक रास्ता रह गया है। लेकिन ये लिक्विडिटी अगर कंपनी के ऑपरेशंस में ना जाकर प्रमोटर्स के बैंक में जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि कंपनी के ओनर्स के डूबती नैया से किनारा करने का फैसला ले लिया है। इसको प्रमोटर एग्जिट भी कहा जाता है। सब जगह नहीं मगर बहुत सारे आईपीओ के केस में प्रमोटर्स अपना शेयर ऑफलोड कर रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है उसको बैंक में डालकर रिटायर कर रहे हैं। पब्लिक उन शेयर्स को भूखे इंसान की तरह खा रही है और वेट कर रही है कि कब ये शेयर्स और बढ़ेगा। लेकिन क्या ये सही डायरेक्शन है? क्या इन सब कंपनीज अपने ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को रिबस्ट बना रहे हैं ताकि आने वाले 1 साल में प्रॉफिट आए, या फिर ये भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरह अपना सैलरी पैकेज बढ़ाकर इंसेंटिव पे खेलकर अपना बैंक बैलेंस भारी करके निकलने के प्लान कर रहे हैं? क्या सरकार ने रेगुलेशंस ढीले किए हैं? क्यों पीएसबी एंड पीएसयूज को बेचा जा रहा है? ये भी एक तरीके का डीरेगुलेशन है, जहां पर छोटे बैंक्स को बड़े बड़े बैंक्स एक्वायर करेंगे ताकि उनको स्पेकुलेशंस करने के लिए और ज्यादा कैपिटल मिल पाए। इस कैपिटल में रिटायरमेंट फंड्स हो सकते हैं, पेंशन फंड्स हो सकते हैं। बात तब और भी सीरियस हो सकती है जब सरकार अपने एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट फंड्स को भी इस स्पेकुलेशन में डाल दे। क्या ऐसा होने वाला है? खबर पे ध्यान दीजिए, खबर बनाने वाले पे नजर रखिए, तभी आप आने वाले दिनों में ऐसे क्रैश से बच सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो अब तक देखा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या सच में क्रैश हो सकता है वो जानने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चल सके क्या चल रहा है। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।